वहाँ तक लोग बैठे हुए एक लाइन से, और अगर चाहिए तो और आगे तक चले जाएंगे, मतलब अगर जगह नहीं रहेगा। बट यहाँ तो फ्रेंड ये देखो ट्रैफिक लग चुका है, भीड़ देख सकते हो आप, अब तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, देख रहे हो टाइम हो गया 8:20 और भीड़ देखो। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है। शाम को आए थे शूट करने और शूट करते करते रात के 8:10 हो गए। भीड़ देखो आप, लाइन देख सकते हो आप कितनी बड़ी लाइन है और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लैब आ रही है एक नंबर यार, सही है यार। राजकोट में अगर आओ तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करो आप चापड़ी बूंदिया, बापू का बहुत फेमस है 25 साल पुराना। और ये देखो कस्टमर कितने मज़े से खा रहे हैं, आप देख सकते हो सब लोग कितने मज़े से खा रहे हैं। पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, रात को भर जाता है यहाँ पे काफ़ी, मतलब मज़े से खाते हैं लोग, इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और ये सेटअप मतलब स्ट्रीट स्टाइल है, लेकिन भाई एक नंबर सेटअप है, बहुत ही बेहतरीन है, समझ सकते हो आप। और वो लाइन देखो बेहतरीन, भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है। और ये 6 से 10 का कॉन्सेप्ट है, 6 से 10 तक सब खत्म हो जाता है, हर दिन नया फ्रेश बनाते हैं। तो फ्रेंड ये देखो ट्रैफिक लग चुका है, भीड़ देख सकते हो आप, अब तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, देख रहे हो टाइम हो गया 8:20 और भीड़ देखो कितनी आ रही है भीड़।
और लोग देखो इधर वेटिंग में खड़े हुए हैं बैठने के लिए, ठीक है, जैसे सीट खाली होगी ये लोग वेटिंग में है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये देखो यहाँ बैठने की जगह नहीं है जिससे लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं, लेकिन खाना है, मतलब यहाँ पे आए हैं तो खा के ही जाना है भाई, बात ये है। बापू किधर आए तो भाई चापड़ी उंधियो खा के ही जाना है, जगह हो जाए ना हो जगह बन जाएगी, लेकिन भाई चापड़ी उंधियो खाना है वो ज़रूरी है बापू का। और भाई छाछ तो देखो जग भर भर के छाछ दिया जाता है, ये क्रेज़ होता है भाई, दिस इज़ द क्रेज़, मतलब टेस्ट का जो क्रेज़ बोलते हैं ना इसको बोलते हैं, कि जगह नहीं है बट फिर भी यहाँ पे आए तो चापड़ी उंधियो खा के ही जाना है, और वो क्रेज़ है। और आप देख सकते हो एक लाइन से कितने सारे लोग बैठे हुए हैं भाई, क्या बात है, बेहतरीन यार, ऑथेंटिक और ओरिजिनल टेस्ट है यार चापड़ी उंधियो का ये। और भाई यहाँ बहुत प्यार से खिलाया जाता है, फैमिली मेंबर की तरह खिलाया जाता है, इसलिए कस्टमर यहाँ पे मतलब समझ लो टेस्ट तो है भाई, टेस्ट तो सुपर है, फैंटास्टिक है, मार्वलस है, ऑसम है, लेकिन उसके साथ साथ प्यार से खिलाया जाता है। और देख लो भाई खुद ही देख सकते हो आप वहाँ तक लोग बैठे हुए एक लाइन से, और अगर चाहिए तो और आगे तक चले जाएंगे, मतलब अगर जगह नहीं रहेगा, बट यहाँ पे आया तो चापड़ी उंधियो बापू अब खा के ही जाना है, वो मैटर करता है भाई। और इधर की भीड़ तो भाई देख सकते हो आप, क्या भारी भीड़ है। तो भाई आप कैसा लगा आपको यहाँ का चापड़ी उंधियो? तो आप मतलब रेगुलर आते हैं यहाँ पे? संडे ओके। तो मतलब यहाँ का सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? चापड़ी उंधिया चापड़ी एक नंबर, हाँ स्मेल भी एक नंबर है, रोमा बहुत सही है। ओके आपका यूट्यूब चैनल भी है? मेरा है। क्या नाम है? गबरू प्लेस है। गबरू प्लेस, तो मतलब ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवल, ओके गेमिंग का है। ओके फ्रेंड्स, तो अपने को एक और यूट्यूबर मिल गया, प्लीज़ इनको सपोर्ट करो और इनके चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सर। भाई कंटेंट इतना बेहतरीन है कि मुझे लगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ऑडियंस को, अगर कभी राजकोट आओ आप तो यहाँ ज़रूर आना, आपको वीडियो में एड्रेस सब कुछ बता दिया, नंबर भी है, जिन ब्लॉगर्स को शूट करना है वो भी आ सकते हो, नंबर है, कॉल करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शूट करो, बढ़िया शूट करो भाई, प्रमोट करो भाई, बेहतरीन चीज़ है। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है भाई, समझ रहे हो, और लाइन वही लगती है जहाँ पे टेस्ट मतलब सुपर होता है यार, क्या बात है, भीड़ तो बढ़ती जा रही है यार। तो देखो भाई लाइन वहाँ तक चली गई है, देख रहे हो क्या भारी सीन है, बेहतरीन यार, बहुत ही बेहतरीन, सुपर। और जब तक मेरा कैमरा ऑन रहेगा तब तक लाइन बढ़ती रहेगी, कुछ ऐसा गलत नहीं, आप देख सकते हो सामने आपके। तो सर ये जो चापड़ी आप बनाते हैं कैसे बनाते हैं सर? चापड़िया गेहूं का आटा से बनाते हैं, गेहूं का आटा, उसमें मसाला भी डालते हैं सर? इसमें जीरा मसाला सब डालते हैं। अच्छा, तो वो मतलब सुबह ही प्रिपरेशन कर लेते हैं अपन? हाँ जी। अच्छा, और सर उंधिया तो गुजरात का फेमस है, सब लोग जानते हैं, तो आप मतलब आप जो उंधिया बनाते हैं मतलब क्या उसमें कैसे, कुछ क्योंकि आपके भीड़ बहुत थी सर, तो ऑब्वियसली कुछ तो मतलब मज़ेदार है, तो आप इसमें सब लीलोत्री सब्जी आता है? जी जी। और इसमें सब कटोर मिक्स आता है? अच्छा, सारे तरह की भाजी होती है, मतलब सारे तरह की भाजी डालते हैं। ओके, और सर जो रस्सा था उसके बगल में, उंधिया के बगल में, वो भी? वो टमाटर का रस्सा है। अच्छा, और अपना जो फेसियल टमाटर का चटनी और आलू लहसुन पुदीना का चटनी बनाते हैं ना? जी जी, वो बहुत अच्छा बनते हैं। अच्छा, नहीं क्योंकि सर इतनी भीड़ तो मतलब मैंने शायद ही कहीं देखी आपके यहाँ, मैं तो खड़ा था दुकान खुलते ही, मतलब भीड़, दुकान खुलने की भीड़ पहले से थी एक्चुअली में। तो सर ये मतलब आपका टेस्ट ही है, तो आई थिंक मतलब आप सब ओरिजिनल यूज़ करते हैं, एकदम प्योर ब्रांडेड वस्तु ओरिजिनल यूज करते हैं, सब ब्रांडेड एकदम ओरिजिनल, मतलब क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? कोई नहीं, 25 साल में कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है, 25 साल में सब ए ग्रेडेड वस्तु वापस है। ओके, 25 साल हो गए, मतलब काफ़ी सही बात है, 25 साल से मतलब वो कंटिन्यू वही ओरिजिनलिटी वही
टेस्ट और वही ऑथेंटिसिटी रखना, मतलब अपने आप में सैल्यूट है सर आपको, मतलब मानना पड़ेगा सर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मतलब फेमस शॉप है राजकोट की, और भीड़ देखो रात हो चुकी है, शाम से हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं और रात हो चुकी है, और अभी ये भीड़ तो मतलब एक ट्रेलर है, अभी और भीड़ बढ़ने वाली है, बने रहो हमारे साथ। और इधर देख लो सिटिंग अरेंजमेंट, इधर भी पब्लिक भर रही है धीरे धीरे, लोग बैठे हुए हैं। ये छाछ है अपना छाछ, और भाई भीड़ देखो, भीड़ बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी, रुके रहो मैं आपको दिखाता हूँ, भीड़ अभी और बढ़ेगी। सर ये कितने साल पुराना है? 25 साल पुराना है। अच्छा, तो ये मतलब आपने स्टार्ट किया था? जी आपने स्टार्ट किया। और मतलब आप जब स्टार्ट किए तो आप अकेले? अकेले किया। अभी आपके सन लोग आपका हेल्प करते हैं? दो सन भी हेल्प कर रहे हैं। ओके ओके, तो सर आपके मन में क्या आया कि आपने ये स्टार्ट किया और कुछ नहीं किया? आपने खिलाना का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा आइटम खिलाना का बहुत शौक है। ओके, इसलिए मैंने ये चालू किया। तो आपको ये खाना भी पसंद है? खाना सब पसंद है, खिलाना पसंद है। ओके, तो मतलब सर इसका प्रिपरेशन आप घर से करके लाते हैं या यही करते सब? घर से बना के आते हैं। ओके ओके, और सर अगर आप अपना मोबाइल नंबर बता दे अगर कस्टमर को, ऑडियंस को अपना? 99 7 49 11 11 6। ओके, और अगर किसी को आना हो यहाँ पे तो कैसे आएगा? भक्ति नगर सर्कल मेघानी रंग भुवन। ओके, एसी फूड रोड। ओके, और सर इसका टाइमिंग क्या, कब से कब तक खुला रहता है? 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक, रात को 10 बजे तक। अच्छा, मतलब ये शाम का ही है? मतलब शाम का ही है। और ये सब जितना सब खत्म हो जाता है एक बार में? ओके फ्रेंड्स, भीड़ देख सकते हो आप कितनी जबरदस्त भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बाकी वीडियो में पहले भी देखा, अभी शूट करते करते शाम हो गया है। तो सर ये आप सुबह नहीं लगाते यहाँ पे? मतलब ये खाने के लिए, मतलब डिनर के लिए लोग ले जाते हैं यहाँ से? अच्छा, तो मतलब यहाँ पे बैठने, अगर किसी को बैठ कर खाना हो तो ये टेबल लगा हुआ है। ओके अच्छा, ओके फ्रेंड्स ये देखो टेबल चेयर सब लगा हुआ है बराबर, और सेटअप भी है यहाँ पे, तो आप बैठ कर खा सकते हो, बहुत अच्छा सेटअप है सर, मतलब पेड़ के नीचे एकदम रोड पे एकदम, मतलब मस्त वाइब है, गुजराती वातावरण है इधर। हाँ एकदम गुजराती।